नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश न्यूज़ चंडीगढ़। हमें रोजगार चाहिए, जमीनें नहीं। चंडीगढ़ के वेंडर्स फिर से एक बार चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की मार्केट में एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले बीते दिनों में ये प्रोटेस्ट कई बार हो चुका है, जी हाँ, जिसमें एक तरफ वेंडर्स और दूसरी तरफ नगर निगम द्वारा शहर को आधुनिक बनाए जाने के लिए उठाए गए कदमों में से एक कदम वेंडर्स मुक्त शहर भी है। इसके लिए नगर निगम ने वेंडर्स को रोजगार के लिए जगहें तो दे दी, पर उनसे रोजगार छीन लिए। इस बात पर चंडीगढ़ के तमाम वेंडर्स वहां मौजूद हैं। आइए दिखाते हैं उनका क्या कहना है, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको। हम अपने रोजगार के लिए खड़े हैं सर। हमारे को जो है गवर्नमेंट ने यहाँ से सर्वे करके हमारे को पहले तो कहा था भाई आप लोगों को यहीं पे जगह दे देंगे, बैठा देंगे। उसके बाद इन्होंने वेंडिंग कमेटी ने एक ड्रा निकाल के किसी को 15 में, किसी को 45 में, किसी को 59 में, किसी को 53 में इन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया अपनी मर्जी से, और हमारे को कोई सूचना तक नहीं मिली है। बट हम फिर भी इनके कहने पर 2.5 महीने से वहाँ जाके बैठ गए हैं। 2.5 महीने वहाँ बैठ के देखा, हमारे को कोई रोज़गार वगैरह वहाँ पर नहीं मिला। किसी की बुनी होती थी, किसी की नहीं होती थी। उसको देखते हुए आज हम टोटली चंडीगढ़ के वेंडर यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। भाई इसी कारण के हमारे रोजी रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे हम, कोई मकानों का किराया नहीं दे पा रहे। जिस व्यापारी से माल लिया उसका माल खा गए हैं, माल उसके पैसे देने के लिए हमारे पास नहीं है। दूसरी कि इनकी किस्तें भी हम नहीं देने के लिए, जो प्रशासन 21 रुपये हम फीस जमा कराते थे वो फीस जमा कराने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। पहले जब आपने हड़ताल की थी, हाँ जी, सर कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। कोर्ट ने तो ये कहा था इनको कि भई हमारा जो केस लगा था 8 तारीख को, तो कोर्ट ने ये बोला था इनको कहीं आसपास में उन्हीं सेक्टरों में इनको जगह इनकी प्रोवाइड करो। भई जहाँ ये बैठे थे, जो अगर कोई शोरूम है या किसी का घर है, कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कि भाई हमने वहीं थोड़ा सा साइडों में हमारे लिए किया। उसके बाद हम रविकांत शर्मा जी से मिले और अनुसूद जी से भी मिले, राजबाला मलिक से भी मिले। उन्होंने भी यही आश्वासन दिया भाई आपका काम प्रोसेस में चल रहा है, पर वो उनके तो कहने पे ठीक हम शांति रख रहे थे, पर अभी हमारा कोई भी प्रोसेस में नहीं है, ना कोई जगह दिखी है, ना कुछ हुआ। अभी चंडीगढ़ के मेयर से बात की, आपको कितना समय हो गया? अभी तो 10-15 दिन हुए हैं। अरुण सूद जी से भी हमारी 15 दिन बांध के 33 में गए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास 33 में जाके हमने अपने वो रखे उनके से बात की। उन्होंने कहा भाई आप चिंता मत करो, भाई देखो वैसे तो बहुत नजायज था। हमने कहा बिल्कुल ठीक था जी, जो जायज है उसको जायज करवा दो। हम ये नहीं कहते भी नजायज जो है नजायज को ख़त्म कर दो, जो जायज हमारा बनता वो हमारे को दे दो। तो यहाँ आपके साथ आज के दिन कितने किस एरिया से वेंडर्स इकट्ठे हुए? आज चंडीगढ़ वेंडर्स टोटली इकट्ठे हुए हैं जी। 17 वाले भी हैं, 19 वाले भी हैं, 22 वाले भी हैं, 15 वाले भी हैं, सभी वेंडर हैं यहाँ पे। जिनको जमीन मिली वो भी हैं? वो हाँ, जिनको नहीं, जिनको नहीं मिली, जिनको मिली है, जो 2.5 महीने से वहाँ तपस्या कर रहे थे वो आज यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। जिनको रोज़गार नहीं मिला, किसी के बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, किसी को रोटी चलाने के लिए पैसे नहीं है, किसी ने जिसने व्यापारी से माल लिया था उसको पैसे, उसका माल खा गए बेच के, उसको पैसे देने के लिए नहीं है। आगे फैनर्सों से पैसे ले लेके वो फैनर्स वाले को पैसे नहीं देने के लिए हैं। अब इस टाइम आज स्टैंड पर जब बैठे हैं कि आज हम बिल्कुल मोहताज हो चुके हैं और हमारी गवर्नमेंट ने कोई सुनवाई नहीं करी। सर आज तो देखो पहले दिन बैठे हैं, आज शाम के 4-5 बजे तक हम यहाँ बैठेंगे। अगर हमारी कोई नई सुनवाई होती, नहीं कोई प्रोसेस होती, तो हमें जितने दिन भी बैठना पड़ेगा हम बैठेंगे। उसके बाद अगर हमारे साथ फिर भी जाती रही तो हमें जो ना फीस देनी बंद कर देंगे। हमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, हमारे लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया जाए, हम वैसे ही रह जाएंगे उससे बस। क्योंकि हमारे को दबका मारा जा रहा है भाई, अगर आप लोग जो ना बीज नहीं दोगे, अगर आप हाथ में लेके माल भी बेचोगे तो उसका जो ना आपका चलान कर दिया जाएगा, और 3 चलान हो जाएंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। उसकी बजाय कल की बजाय हमारा आज ही कैंसिल कर, हमें कोई दिक्कत नहीं मंजूर है, हमारी यही है रोज़गार चाहिए बस। मेरा घर का रोज़गार जी बिल्कुल बंद हो चुका है। मेरे 4 बच्चे हैं, वो भी बड़ी बड़ी क्लासों के, बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चे हैं, ऊपर से पेपर आ चुके हैं, और 2-2 महीने की उनकी फ़ीस नहीं जमा की है। मैडम मेरे को रोज़ तंग करती है कि फ़ीस जमा करा ना, तो बच्चों को पेपरों में नहीं बैठने दूंगी। मेरी एक बेटी 11वीं क्लास में है, एक 10वीं क्लास में है, एक बेटा 12वीं क्लास कर रहा है। अब उनको मैं घर बैठा हूँ,
या उनकी मैं फीस से कहाँ से भरूँ, और मेरे घर वाले की एक किडनी नहीं है। मेरे घर वाला 4 साल से बीमार है और मैंने अपने घर वाले की किडनी निकलवा दी है क्योंकि उसकी किडनी ख़राब हो चुकी थी, और उसका भी इलाज है मेरे घर वाले का भी और मेरे बच्चों का भी। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को घर बैठा हूँ या कमा के लाऊँ, मैं अपने घर वाले को देखूँ या क्या करूँ। वहाँ जाती हूँ मैं, 200 रुपये ऑटो के लगते हैं जाने के, 200 आने के लगते हैं, और 50 रुपये 100 रुपये मैं वहाँ कमा के लाती हूँ। हर रोज़ मैं किस किस से मांग के लूँगी, कभी इससे मांग के ले लेती हूँ पैसे, कभी इससे मांगती हूँ, कभी व्यापारियों से मैं उधार माल ले लेती हूँ। अब व्यापारी भी माल नहीं देते हैं और ना कोई ब्याज पे पैसे देने वाला, आज वो भी नहीं दे रहा है। सब लोग जिससे मैंने पहले लिए थे ब्याज पे पैसे, सब लोग मुझे तंग कर रहे हैं कि हमारे पैसे दो। अब ये बताओ मैं अपने बच्चों के लिए मैं क्या करूँ, अपने बच्चों के लिए कहाँ से मैं पैसे लाऊं, कहाँ से मैं उनकी पढ़ाई कराऊं। सिर्फ एक एक महीना रह गया पढ़ाई का, मेरे बच्चों की पूरी एक एक साल ख़राब हो रही है। चारों मेरे बच्चे घर बैठने वाले हैं। अब मैं किसके पास जाऊं कि मेरे बच्चों के लिए फ़ीस दे दे। मेरे को कोई फ़ीस का साधन नहीं है, ना मेरे को वहाँ पर काम है। चाहे तो मेरा वो 15 में जो मेरे को दिया अड्डा, आप वो वापस ले सकते हो, और मेरे को जहाँ मैं बैठी थी मेरे को वहीं बैठा दो। थोड़ी जगह में बैठाओ, ज़्यादा में नहीं थोड़ी में बैठाओ, मैं वहीं बैठना चाहती हूँ जी, जहाँ मैं 22 सेक्टर में। मेरे को और कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की या किसी के आगे कुछ कहने की, बस मेरा इतना ही है मुझे 22 सेक्टर में बैठाओ। मेरे जो भाई और भी हैं सब बेरोज़गार है, एक मेरे साथ मेरी लेडी है अंधी है, उसके 4 बच्चे हैं, किराए पे रहती है, वो अपना किराया नहीं दे पा रही, उसके बर्तन बाहर फेंक दिए किराएदारों ने, अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।